रश्मि देसाई ने फैंस के साथ अपने दिल की बात शेयर की है। जी हाँ, जब भी उन्हें विलन कहा गया है, बिग बॉस सीजन 13 में लिटरली रश्मि की इमेज जो है वो विलन वाली हो गई थी, लेकिन अब अपनी बिग बॉस 13 की इमेज पर रश्मि देसाई का क्लैरिफिकेशन आया है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिनी स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहर। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बिग बॉस में, वैसे तो हिना खान भी जब गई थी उन्हें भी विलन दिखाया गया था, सो हिना ने बहुत एप्टली कहा था एक वर्ड, बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो, जो होता है रियल होता है, बट यस इट्स एन एडिटेड शो, जो एडिट कर जहां लगा दिया जाए उसका मतलब, मायने, उसके फ्रेग्रेंस जो है सब चेंज हो जाता है। और यही चीज शायद रश्मि के केस में हुई थी। आप सभी को बता दूं कि रश्मि देसाई ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट किया है कि हम सब किसी ना किसी की लाइफ में विलन होते हैं, और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं होता कई बार कि हम किसी और की लाइफ में विलन है। वेल, कब हुआ ये? रिसेंटली रश्मि देसाई ने आस्क मी सेशन रखा, उस सेशन में सवाल पूछा गया, प्लीज मेक योर पॉजिटिव रोल इन नागिन बिकॉज आई कांट सी यू एज अ विलन, मैं आपको एज अ विलन नहीं देख सकता। और रश्मि ने, ये देखिए इस तस्वीर के साथ यहाँ पर इतना बड़ा रिप्लाई जो है वो लिखा है, रश्मि लिखती है, एवरीवन इज विलन इन समवन एल्सेस लाइफ स्टोरी, विदाउट विलन हीरो इज नथिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैज इट्स ओन वैल्यू, आई लव द स्क्रिप्ट एंड लाइक टू बी लिमिटलेस एंड एक्सप्लोर, पीपल लव मी फॉर माई वर्क चॉइस एंड आई लव माई जॉब, PS शलाका इज पॉजिटिव। जी हाँ, यानी कि रश्मि जो है वो दो अवतार निभा रही हैं, एक शलाका और एक शांग्रीला। सो डेफिनेटली रश्मि ने कहीं ना कहीं एक हिंट के साथ ही सही अपनी करंट लाइफ के साथ ही सही अपने पास्ट को भी क्लैरिफाई करते हुए कह दिया है कि कई बार हमें पता भी नहीं होता लेकिन हम विलन बन जाते हैं किसी की लाइफ में। वेल, आपको क्या है कहना रश्मि की इस बात पर और इस पोस्ट पर, बताइएगा जरूर।